दोस्तों, तब हमने इस चैनल पे नाइकी, पुमा, एडिडास, न्यू बैलेंस, स्केचर्स जैसे बहुत सारे अमेजिंग स्नीकर्स को देखा है, टेस्ट किया है आपके लिए। लेकिन इस चैनल पे पहली बार हम अनबॉक्स करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग एसिक्स एंड ऑनिक्स सुगर टाइगर। सो कार्डबोर्ड का आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा, एसिक्स की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है भाई 10,999 रुपया। समझ लो कि एकदम टॉप क्वालिटी वाले स्नीकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओ भाई, ये जूते में क्या मिला मुझे? जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल। दोस्तों, एसिक्स के इस अमेजिंग स्नीकर के मॉडल का नाम है लाइट जेल 3। लेकिन ये कोई नॉर्मल लाइट जेल 3 नहीं है, बल्कि एक बहुत स्पेशल एडिशन है। स्पेशल क्या है वो बात में जानेंगे, पहले जूते की क्वालिटी देखते हैं। जूते के ऊपर फैब्रिक की बात करिए, पूरा जूता हाई क्वालिटी प्रीमियम लेदर से बना हुआ है। जब आप इसे हाथों में पकड़ोगे ना, यू विल बी अमेज्ड कि क्या खतरनाक अच्छी लेदर की क्वालिटी है। फिर मैं आपको वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे और मिसेलिस में आपको 3-4 कलर्स देखने को मिलेंगे। मोटा मोटा जो आपको कलर देखने को मिलेगा वो है व्हाइट एंड ओशन ग्रीन, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ ही इसमें थोड़ा आपको गोल्ड ब्लैक का भी काम देखने को मिलेगा कहीं कहीं। मल्टीपल लेदर पैचेस के थ्रू यहाँ पर डिजाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, एंड इनर एंड आउटर साइड में आपको एसिक्स के स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगे। तो अगर इन स्ट्रिप्स को ध्यान से देखोगे ना, तो अपर वाला जो पार्ट है ना वो शाइनी लेदर का बना हुआ है, और उसके नीचे ना आउटलाइनिंग जैसा ना गोल्डन स्ट्रिप्स डाले गए हैं, जो कि ओवरऑल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। कॉटन का आपको इसमें लेस देखने को मिलेगा, जिसमें टिप आपको गोल्डन कलर के देखने को मिल जाएंगे। बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एसिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि गोल्डन टाइप के लेदर पैच में की गई है। ठीक उसके नीचे आपको शाइनी लेदर पैच पे जेल लिखा हुआ मिल जाएगा, और सारी चीजें ना क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में लिखी गई है बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। सबसे ज्यादा यूनिक बात क्या है ना इस जूते की, कि इस जूते में स्पेशली एसिक्स के जितने भी लाइट सीरीज वाले जूते में टंग आपको नहीं देखने को मिलता। बेसिकली इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है, आप अभी इस वक्त बीरोल के थ्रू देख पा रहे होगे, एंड सुपर डुपर कूल लगता भाई। साइड के पैडिंग वाइडिंग की बात करें तो टॉप नॉच क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अंदर की फैब्रिक व्यब्रिक बहुत ज्यादा स्मूथ है। अगर अंदर के इंसोल की भी बात करें ना, फटाफट इसे निकालते हैं। अब देखो, वन चांस है तो एकदम घुस घुस के चेक करना बनता भाई। व्हाइट कलर का पूरा आपको लाइनिंग मिल जाएगा ऊपर में, जिसमें एसिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। कुशन वुशन देखो ठीक ठाक है, डिसेंट है, अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही इसमें अमेजिंगली आर्च सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि पैरों में पहनने के बाद ना एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपको देता है। आउटर सोल की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट रबर फोम देखने को मिलता है। इसकी क्वालिटी सच में खतरनाक अच्छी है। इसे भी ना 2 टेक्सचर्स में दिया गया है। फ्रंट वाला पार्ट देखोगे ना तो यहाँ पर तो एकदम स्मूथ है, और उसके पीछे ना हल्का हल्का रफ जैसा टेक्सचर है। पीछे में वही कलर को फॉलो करते हुए ना पर हल्का सा पेंट किया गया है। साइड में आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे में पूरा हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा थिक है, ग्रिपिंग में स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जूते के आउटर साइड में देखोगे ना तो यहाँ पर पूरा इसका मॉडल नंबर को एम्ब्रॉयडरी के थ्रू लिखा गया, वो भी गोल्ड थ्रेड से लिखा हुआ जेल लाइट 3। अब ये बस यूं ही नहीं लिखा हुआ है। देखो होता क्या ना कि अलग अलग स्नीकर कंपनीज ने अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को या अलग अलग टेक्नोलॉजीज को अलग अलग नेम से चलाती है। एसिक्स के जितने भी जूते होते हैं ना, उनमें उनकी जेल टेक्नोलॉजी घुसी होती है, और वो टेक्नोलॉजी ना आपको इस जूते के अंदर में कहीं पे मिलेगी। और मिलेगी, डोंट वरी। जूते के आउटर साइड में और फ्रंट में भी देखोगे ना तो यहाँ पर वही टो वाले लेदर में भी ना आपको 2 कट होल्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मस्टर्ड येलो कह लो, गोल्ड कह लो, या थोड़ा सा टैन कलर कह लो, उस टाइप का ना अंदर लेदर पैच मिलेगा। तो ओवरऑल ना घुसा घुसा के ना भाई इसमें डिटेलिंग भरी गई है। बनाने की बात करें तो ये जैसा मैंने आपको बताया था न्यू बैलेंस वाले वीडियो में, कि ओवरऑल जितने भी जूते होते हैं ना वो वियतनाम या चाइना में बनते हैं। ये वियतनाम का बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल कंपनी है जापानीज। अब इसके इतने खूबसूरत कलर होने का बस ये रीजन है ना, कि ये एसिक्स लाइट जेल 3 डारुमा डॉल के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। बेसिकली डारुमा डॉल्स को जापानीज लोग एज अ गुड फॉर्चून सिंबल मानते हैं। इसके 2 कलर्स आए थे, एक रेड में था जो कि सुपर डुपर वो भी कूल लग रहा था, और ये एक ओशन ग्रीन में है। क्वालिटी तो भाई सोचो मत, क्या नेक्स्ट लेवल है। एक्चुअली ये पिंस पूरे मेटल के बने हुए, जिसके ऊपर ना जापानीज में कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा। इसे बस यहाँ पर साइड में प्लेस करने के लिए दिया गया है, और थोड़ा सा लुक एनहांस के लिए। जो ये जो टैग अटैच्ड आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो पिक्चर है ना, ऐसा ही दिखता है डारुमा डॉल। अरे मैं पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ इस आइकॉनिक खूबसूरत अमेजिंग जूते को? आप मुझे ये भी बताएगा कमेंट में कि ऐसे क्रेजी स्नीकर्स को देख के आपको कैसी फीलिंग आती है। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में, एक और बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग कंपनी, ब्रांड का नाम है ओनित्सुका टाइगर। आपने अक्षय कुमार को, आपने टाइगर श्रॉफ को इस कंपनी के जूते पहने हुए बहुत बार देखा होगा। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग है 8999, एक और एक्सपेंसिव जूता, लेकिन
एब्सोल्युटली वर्थ इट है अगर इसकी हिस्ट्री जानोगे तो। फटाफट निकालते हैं जूते को भाई, एक्चुअली जूते में ना इतना बड़ा मैनुअल मिलता है, किसी जूते में आज तक मैनुअल मिलता है नहीं। मेड इन इंडोनेशिया है ये, जस्ट लुक एट दिस गाइस। ये है ओनित्सुका टाइगर का मोस्ट फेमस मॉडल मैक्सिको 66। अब तक आपने अगर जिंदगी में सिर्फ नाइकी एडिडास पूमा का ख्वाब देखा है ना, कभी निकल कर देखो बाहर उससे, जिंदगी क्या मस्त है। हालांकि जॉर्डन की कुछ अलग ही बात है। अगर इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें ना, पहले तो आपको ना बड़ा अजीब सा दिख रहा है भाई, इसमें खास क्या, इतना अजीब सा क्यों दिख रहा जूता, लेकिन यही ओनित्सुका टाइगर्स की ना एक्चुअल पहचान है। बड़ा ही फ्लैट टाइप के स्नीकर्स वो बनाती है। अपर बॉडी की बात करें तो ये लेदर से तो बनी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री ना बहुत ज्यादा तगड़ी है दोस्त। क्या बात कर रहे हैं बाबा, फटाफट इसके क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अमेजिंग हिस्ट्री बताऊंगा। तो पूरी बॉडी देखो लेदर से बनी हुई है, साइड में आपको सेम एसिक्स जैसा लोगो देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली है क्या कि एसिक्स एंड ओनित्सुका टाइगर ना कहीं से एक सेम ही कंपनी है, तो सेम आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। सिल्वर के ऊपर व्हाइट कलर का ये लोगो अमेजिंग लग रहा है, वेल स्ट्रिच्ड है, हाई प्रीमियम लेदर्स यूज हुआ है, और सारी ये प्योर व्हाइट नहीं है बल्कि ऑफ व्हाइट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑफ व्हाइट कलर में आपको लेस देखने को मिलता है, ऑफ व्हाइट कलर या क्रीम टाइप का कलर का आपको पूरे आउटर सोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें एकदम बेरली पतली सी ना आधे इंच की यहाँ पर आपको आउटर सोल देखने को मिलेगी। नीचे में ओनित्सुका टाइगर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साइड में पैडिंग वैंडिंग की बात करें ना, तो पैडिंग के नाम पे कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर भी आपको सिंपल सा हल्का हल्का पैडेड वाला देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर ओनित्सुका टाइगर की आपको पैचिंग मिलेगी। और अंदर इसका इनसोल क्या निकलेगा, जल्दी कर, नहीं भाई निकल नहीं रहा है, लेकिन इसकी कुशनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अंदर में भी आपको ओनित्सुका टाइगर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे आपको ना एक अजीब सा उड़ता हुआ पैच देखने को मिलेगा, जिसपे टाइगर लिखा हुआ है। ये ना ओनित्सुका का ना एक डिजाइन का पार्ट है, ये अपने पैच को इधर चिपकाते नहीं है, बल्कि हमेशा ना ये पैच ऐसे ही रहता है, जब पहनोगे ना तो ये पैच नीचे हो जाता है, मेरे में लेकर नहीं होता है। सहलेंगे थोड़ा सा। वही अगर पीछे देखोगे तो एक्स शेप से ना यहाँ पर लेदर को स्ट्रेच किया गया है। ओवरऑल जूते की बात करें ना, देखो इसके बहुत अमेजिंग अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन आते हैं, मुझे क्या बताऊं यार, यही सिर मिला मेरे साइज का तो मैंने खरीद लिया रिव्यू के लिए। ये भी मेड इन इंडोनेशिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको देखने से ये जूता ऐसा लग रहा है कि क्या ही कंफर्टेबल होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड जब आप इसे पहनोगे अपने पैरों में, बहुत ज्यादा कंफर्ट देता है और एकदम हल्का हल्का ना फ्लैटी टाइप का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो जिनको पैर वैर का भी हल्का फुल्का इश्यूज है ना, हील से या ऐसे फ्लैट स्नीकर्स खोजते हैं, इसके लिए भी आप जा सकते हो। इस जूते की हिस्ट्री क्या अमेजिंग है, जिन लोगों को नहीं पता, नाइकी का पहले नाम ना ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था, वो कंपनी जूते सेल करती थी, लेकिन वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी जापान से, चूंकि ये जापान की कंपनी है, जापान से ओनित्सुका टाइगर्स को खरीद के यूएस मार्केट में बेचती थी। बाद में जब वो कंपनी नाइकी बन गई ना, तब उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया, तो समझ लो कि नाइकी का भी ना हाथ है इस जूते में। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। स्नीकर्स की दुनिया में घुसोगे ना भाई, इतना लोचा है ना, इतनी स्टोरीज है, सुन के बड़ा मजा आता है। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों आइकॉनिक स्नीकर्स की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी है, मेक श्योर कि इस एफर्ट को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा, क्योंकि ट्रस्ट में ऐसे अमेजिंग जूतों की अनबॉक्सिंग एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, ऊपर से हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस देने की वीडियो के थ्रू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में जाकर फॉलो कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।